भाई सुबह उठ के नहा कर अब निकला हूँ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे कहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा वही ढूंढ रहा हूँ। देखता हूँ कौन सा सस्ता होटल मिल जावे जिसमें ब्रेकफास्ट मिल जावे। बहुत खूबसूरत शहर है और कितना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है। देखिए ज़रा थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। I'm going here. Hostel, Hotel Palace. I've got no idea about. No idea. I'm this hotel. Okay. Yeah, I can find on Google for you if you want. You. Hotel Palace. Which country? England. England. Yeah. India. Nice. I'm off to Nepal later today. Nepal? Yeah. Come here. Palace Hotel. Is that what it was? जरा भाई जरा ये एड्रेस बता दे, उसको खुद को नहीं पता कहाँ जाना है। चलो ठीक है, थोड़ा देर पैदल चलता हूँ, देखता हूँ ढूंढ पाऊँगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्लाइमेट तो ठंडा है भाई, लेकिन यहाँ पर जो है लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बड़ा प्रॉब्लम ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंग्लिश भी बराबर से आती नहीं है, और जो मैं इन लोगों को बोलता हूँ कुछ समझ भी नहीं पाते हैं ये लोग और ना मुझे समझा पाते हैं। ठीक है, जद्दोजहद में लगा हुआ जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा होटल अभी नज़दीक मेरे को नाश्ता करने के लिए मिलता है। और ये UCL कंपनी कोई है जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेगी। जहाँ तक लग रहा है भाई मैं होटल तक पहुँच चुका हूँ, यही होटल है जहाँ पर मुझे कुछ नाश्ता पानी मिलेगा। देखते हैं क्या मिल सकता है यहाँ पे, होटल के अंदर जाके देखते हैं। होटल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं होटल में क्या मिलता है। Let's go in kitchen. कैसे बार बार वही लैंग्वेज प्रॉब्लम। अभी मैंने कुछ ऐसा ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया है एक आलू का समोसा जो मेरे को 4000 सोम में पड़ेगा, ये आप कुछ देख पा रहे होंगे। और मैंने ऑर्डर किया है एक दूध वाली चाय। अब वो क्या है कैसी है कुछ पता नहीं, फ़ोटो में तो कुछ ऐसी दिख रही है। देखो अभी खाने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या टेस्ट है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको लैंग्वेज, आप अगर इनसे बराबर बात नहीं कर पाओगे तो ये आपको बराबर समझा भी नहीं पाएंगे। चलो कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होने का चांस है। मेरे को लगता है अब ये लोगों को समझ में आ गया है मेरे को क्या चाहिए, देखते हैं क्या लेके आते हैं। भाई नाश्ता मेरा आ गया है, नाश्ते में क्या है देख लो। ये है दूध वाली चाय, शायद उसमें चॉकलेट भी मिली हुई है। और एक ये है बन, लगता है पाँव के जैसा कुछ है पर अच्छा लग रहा है। अब आज सुबह इसी से काम चलाना पड़ेगा, खा के देखते हैं कैसा है। टेस्ट तो अच्छा है, अब ये क्या है पता नहीं, ये देखते हैं। इसमें कुछ आलू है और सॉस है। ये अच्छा है भाई, फुरुसो भाई। इतने सब खाने में एक ही चीज़ समझ में आई, वो है ये जिसमें आलू भरा हुआ है और थोड़ा टेस्टी है। बाकी ये चाय का तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये चाय है कौन सी, इसमें क्या डाला हुआ है। दूध तो लग रहा है पर काय का पता नहीं। और ये ब्रेड जो है बहुत, जब आया था तो बहुत नरम था पर जब मैंने खाना चालू किया भाई अचानक में ये कड़क हो गया। चलो ठीक है जैसा भी है खा रहे हैं। भाई मेट्रो स्टेशन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। कई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि सीधा चले जाओ, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है।
अब पैदल पैदल मेट्रो स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। रोड देखो भाई, रोड क्या ज़बरदस्त है, फोर लेन रोड है, गाड़ियाँ देखी ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ भाई, ऐसा कुछ है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। अभी मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर हो रहा हूँ। अब यहाँ से कहाँ पे देखते हैं, यहाँ से टिकट कहाँ पे मिलती है मेट्रो में जाने के लिए। हाँ, यही गेट है। टिकट पहले मैं पूछ लेता हूँ भाई कितने की है, क्या है, कैसा है, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं मेट्रो से। अभी अभी मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ हूँ। यहाँ पे जो है कार्ड कुछ पंच करना है और आगे बढ़ना है। अगर आपके पास वीसा का कार्ड है या आपके पास कोई भी कार्ड है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब भाई मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ के पुलिस वाले तो बहुत अच्छे थे भाई, बहुत अच्छे से हेल्प की इन्होंने। ये है ताशगंज का मेट्रो स्टेशन भाई, ये है ताशगंज का मेट्रो स्टेशन। अभी तक तो मेट्रो आई नहीं, मैं खड़े होकर वेट ही कर रहा हूँ, और मेरी तरह और भी लोग वेट कर रहे हैं, पर मैं जाऊँ किस तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ मेट्रो है भाई ताशकंद की, भीड़ लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसकी मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि जाना कहाँ है। बैठ के वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कोई और मेट्रो खाली आएगी तो उसमें बैठता हूँ और उसके बाद आगे जाने की कोशिश करता हूँ। क्राउड बहुत ज़्यादा है। आई थिंक यू कैन गो उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान? या इन उज़्बेकिस्तान वी हैव ताशकंद सिटी। ताशकंद सिटी? ताशकंद सिटी? यस। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यस। आई डोंट नो अंडरस्टैंड एनीथिंग। कैन आई हेल्प एनीबॉडी? Or Charsu. In Charsu, we have a lot of historical places. Place? Things. Where so stations? What? 2-3 stations? Okay. Charsu, 1-5. Five stations. Station. State? Yeah. Yes. Yes. You turn back to US? Yeah, after Charsu, you must this and after 5 stations, you was there. I'm going to this side. Yes. Okay. After 5 stations, you will be Charsu. Charsu. And after that, you come here. Yeah. 5 stations. 5 stations. Yes. State, na? Only for state, no going anywhere. No, only for state. Only for state. Yes. Please, your number. 1 minute, huh? Okay. पिछले वाले मेट्रो स्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत है ये मेट्रो स्टेशन। लेकिन साला मेट्रो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन में जो है रशिया की थोड़ा सा झलक दिखती है बहुत, लेकिन खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है। लेकिन मेट्रो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, हो सकता है ये मेट्रो बहुत पुरानी हो गई हो इसके लिए, पर बड़ा ही खूबसूरत मेट्रो स्टेशन। और ये पिछले वाले मेट्रो स्टेशन से तो कम क्राउड दिख रहा है यहाँ पर, और क्राउड ज़्यादातर टूरिज्म ही लोग दिख रहे हैं। इस मेट्रो स्टेशन की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है भाई, बहुत ही खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अगर देख पा रहे होगे तो, बहुत ही अच्छी नक्काशी बोलते हैं जिसको, वो किया गया है। और ये मेट्रो स्टेशन के खूबसूरती पिछले मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि क्राउड कम है यार, क्राउड कम होता है तो थोड़ा सी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। पर ये मेट्रो स्टेशन का नाम, ये मेट्रो स्टेशन का नाम तो यार मैं भी नहीं ले पाऊँगा, बहुत अजीब तरीके से ये मेट्रो स्टेशन का नाम है। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। दिस इज़ ए मेट्रो स्टेशन नेम। कर रही है
ठीक है, पर भी फिर भी अच्छी है। ये मेट्रो स्टेशन के अंदर जो है क्राउड बहुत अच्छा है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा मेट्रो स्टेशन है, मैं वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, क्राउड बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग जो है वो आपको हेल्प करते हैं। आप कोई भी चीज़ पूछेंगे तो आपको बताने के लिए खड़े रहते हैं, हेल्प करने के लिए। यहाँ की पब्लिक बहुत ही लवली है, बहुत ही गुड है। और जिस तरीके से भी आप इनसे बात करेंगे प्यार मोहब्बत से, ये आपको वैसे ही जवाब देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत टाइम के बाद ऐसी जगह पे आके जहाँ पे जो है पब्लिक अच्छी हो और लोग आपका आपके साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करते हैं, ये जगह कुछ ऐसी है। ओ भाई क्या बात है, क्या मेट्रो स्टेशन है भाई, क्या खूबसूरती है मेट्रो स्टेशन की, ज़बरदस्त। ये मेट्रो स्टेशन ये भी लेकिन रशिया की याद दिलाता है और उसी तरीके से कुछ बना हुआ है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। और इस मेट्रो स्टेशन में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन बनाया बहुत ही खूबसूरत है। और आप इसकी डिज़ाइन देखो, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मेट्रो स्टेशन। मैंने किसी से पूछा था, ये मेरे ऊपर सर के ऊपर जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ये कुछ हिस्टोरिकल है पर क्या है पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो। पर लोग इसका फोटो ले रहे हैं तो मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मिला है एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, होस्ट राहुल सर का है या जिसका भी है पता नहीं मुझे, किसी ने मुझे इंडियन ने बताया है। चलते हैं देखते हैं अब यहाँ पे खाना खा के, काफ़ी तारीफ सुनने मिली है होटल की, ऐसा कुछ है। चलिए भाई, अगर आप लोग मुझे कोई भी ताशकंद में अगर है तो द होस्ट होटल है इंडियन का, बहुत ही बेहतरीन खाना है, मैं अभी वही खा रहा हूँ और बहुत ही टेस्टी खाना है। यहाँ पे आके खाना खा लेना भाई, अगर आपको उज़्बेकिस्तान खाना नहीं जम रहा है मेरे जैसा, बहुत टेस्टी खाना है। और ये खाना मेरे को कितने का पड़ा मैं खाना खा के आपको बताता हूँ। हाँ जी सर, आई एम फाइन, क्या हो गया? भाई ये बंदे को देखो, ये कैसा हिंदी में बात कर लेता है। ये बहुत देर से मेरे को समझा रहा है कि आप आके उज़्बेकिस्तान में सेट हो जाओ, ये कंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्कूल भी अच्छे हैं, इंग्लिश स्कूल है बच्चों के, यहीं पे पढ़ाओ। ये बंदे ने बहुत मेरी हेल्प किया है। व्हाट्स योर नेम? तोराबेन इज मुस्लिम और अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया है भाई कि आपको अगर सस्ता हॉस्टल चाहिए तो मैं दिला देता हूँ। देखते हैं फिर अभी क्या बोलते हैं और आगे। उज़्बेकिस्तान की पब्लिक बहुत प्यार करने वाली है भाई, बहुत हेल्प किया है ये लड़के ने मेरी, और ये बार बार मेरे को समझा रहा है कि भाई कैसा जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत ही अच्छा लड़का है भाई, इसने बहुत हेल्प मेरी किया है और काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे यहाँ पे बताया कि कैसे क्या करना है। तुम कुछ वेलकम ब्रदर उज़्बेकिस्तान में वेलकम, इंडियन का, इंडियन को बहुत प्यार करते हैं ये लोग। और आइए उज़्बेकिस्तान घूमने के लिए, मैं अभी फ़िलहाल अभी बैठा हुआ हूँ वही इंडियन रेस्टोरेंट में, कुछ लोग मुझे मिल गए थे जिनके साथ बैठ के मैं बात कर रहा था, ये भी बंदा वही है। और ये पीछे होटल है जहाँ पे मैंने खाना खाया है, और अब इसके बाद जो है अब मैं अपने हॉस्टल होटल की तरफ जाऊँगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। सर्वानंद सर मेरे को मिले हैं, मेरे को एड्रेस मिल नहीं रहा था मेरी होटल का, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं यहाँ से 3 सिग्नल मुझे आगे जाना है और फिर लेफ्ट लेना है, फिर मैं अपने होटल तक पहुँच जाऊँगा। तो इंडियन कहीं भी हो आपको देख के रुक जाएंगे, आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे भाई। यहाँ पे